नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगी, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं हैं वो आपके सितंबर से शुरू हो रही हैं। उसके लिए मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 हिंदी के जो क्या आपको पढ़ना है ये आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, और क्या कुछ नहीं पढ़ना ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो अगस्त महीने का जो सिलेबस जारी किया था, अगस्त यानी कि एमपी बोर्ड ने खुद जारी किया था, यहाँ पर कुछ हमारे तरफ से हम ऐड नहीं कर रहे हैं। एमपी बोर्ड ने जो जारी किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं सितंबर तक आपको बताऊँगा, ये अगस्त महीने का अगस्त, ठीक है, सितंबर तक बताऊंगा कि क्या कुछ पढ़ना है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, जो आपका 75 नंबर का यहाँ पर पेपर बनेगा वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या रहेगा वो आपको बताऊंगा। यहाँ से आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप में 20 से 25 नंबर आप इजीली से यहाँ पर गेन कर पाओगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। तो ये प्लस पॉइंट आपको किस तरीके से मिलेंगे, 20-25 नंबर, या वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले जो क्षितिज भाग है आपका 2, यानी क्षितिज भाग 2 है, कालखंड आपका आएगा। कालखंड में आपको क्या करना है, लक्ष्मण, इसमें परशुराम संवाद पढ़ना है। ये किसी तुलसीदास जी ने लिखा है, इससे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। लेकिन अगस्त महीने में जो सिलेबस ऐड किया था वो यहाँ पर जो ये सवैया कवित्र देव देव लेखक थे, ये ऐड किया गया था अगस्त मंथ में ऐड किया गया था। लेकिन जो अभी आपका पता है कि एक महीने पहले आया था, ठीक है, उसमें ये न्यू ब्लूप्रिंट भी जारी किया, उसमें ये हटा दिया गया है। तो इसे आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, ये वार्षिक परीक्षा में भी कोई काम का नहीं है। तो इसे आप ऐसे कट मान लीजिएगा, आपकी जो कॉपी है या आपकी जो हिंदी की कुंजी है उसमें इसे आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गद्यखंड। गद्यखंड में आपको बाल गोविंद भाग है, ठीक है, बाल गोविंद भगत है, ठीक है। यहाँ पर आपको वैनीपुरी ने ये लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है, वैनीपुरी जी ने लिखा है, राम प्रक्ष वैनीपुरी जी ने, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर कृतिका भागपुर है, ठीक है। कृतिका भागपुर में क्या पढ़ना है आपको, जॉर्ज पद्म की नाक, ठीक है, जॉर्ज पद्म की नाक, इसके जो लेखक हैं ये हैं कमलेश्वर, इन कमलेश्वर जी ने इन्हें लिखा था इस पढ़ा। अब व्याकरण की बात करते हैं, अब मैं प्लस पॉइंट की बात कर रहा था, प्लस पॉइंट आपके लिए व्याकरण रहेगा। इसमें आपको क्या कुछ करना होगा, ठीक है, व्याकरण में अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश आपका 5 नंबर का था, आप सभी को पता है 5 नंबर अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, ये 2 है, यानी कि यहाँ से आपके 10 नंबर यहाँ पर अपठित आएंगे, ठीक है। यार कौन से करना है, कौन से आएंगे, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, मैं बता दूंगा आपको कौन सी करना है। इसके बाद लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ 1-2 नंबर की आती हैं, मुहावरे भी 1-2 नंबर की आती हैं, ठीक है। इसके बाद छंद, दोहा, चौपाई, यहाँ से कम 10 नंबर का यहाँ पर बनेगा आपका, तो वह छंद चौपाई से आपका 10 नंबर का बनेगा, ठीक है। वार्षिक परीक्षा में भी आपका यहाँ से 10-12 नंबर का यहाँ से आता है, ठीक है। इसके बाद कवि और लेखक परिचय, ये आपके 5-5 नंबर के आते हैं, कवि और लेखक परिचय, ठीक है, कवि और लेखक 5-5 नंबर के आते हैं। लेकिन आपको कौन कौन से याद करना है, कवि आप देख लीजिएगा यहाँ पर कौन कौन से आपको दिख रहे हैं वही याद करना है, अगस्त मंथ में और सितंबर मंथ तक जितने भी आपके कवि और लेखक आ रहे हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा वही याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको राम वृक्ष वैनीपुरी देख रहा होगा, लेखक परिचय में ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कवि परिचय की बात करें, कवि परिचय में आपके तुलसीदास का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये 2 इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कमलेश्वर का आप छोड़ दीजिएगा, ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगस्त मंथ में, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सितंबर मंथ का बताऊंगा कि सितंबर मंथ में आपको क्या कुछ पढ़ना है, और इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा क्या आपको किस तरीके से यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सितंबर मंथ का सिलेबस बता दूंगा, सितंबर मंथ में आपको क्या कुछ याद करना है, इसके बाद मैं पूरा सारांश आपको बता दूंगा कि लेखक परिचय और कवि परिचय में आपको कौन कौन से याद करना है। लेकिन यहाँ पर आप ये तुलसीदास को तो याद कर लीजिएगा, तुलसीदास और राम वृक्ष वैनीपुर का आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और लोकोक्ति मुहावरे ये 2-2 नंबर के आते हैं याद देख लीजिएगा। इसके बाद अपठित गद्यांश और ये अपठित पद्यांश ये इसी में से आने वाले हैं, तो मैं एक वीडियो इसकी सेपरेट बना दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराए ना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।